ओके, थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस टाइम. देना परमेश्वर इस समय के लिए. बाय योर ग्रेस वी हैव गैदर्ड. आपके अनुग्रह के कारण हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं. थैंक यू लॉर्ड फॉर योर प्रेजेंस ओवर हियर. धन्यवाद परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए यहाँ पे. प्लीज स्पीक टू अवर हार्ट लॉर्ड. हमारे मन से बात कर परमेश्वर. द नेम ऑफ जीसस वी प्रे, आमेन. प्रभु यीशु के नाम में मांगते, आमेन. I want to continue as yesterday's seeking God. तो कल के जो विषय था उसके ऊपर ही मैं अभी भी चर्चा करना चाहता हूँ और वो है परमेश्वर की खोज में रहना. So, what is the meaning of seeking God? तो परमेश्वर की खोज में रहने का मतलब क्या है? Seeking His presence, seeking His face. उसकी उपस्थिति और उसके चेहरे को खोजना. So, Matthew chapter 28:20, I am with you always. मत्ती 28:20 उसमें प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा. Yes. So, God has told that I am with you always. Then why do we seek? तो यदि परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो क्यों हम लोग फिर भी चिंतित रहते हैं? So, sin separates us from God. पाप जो है हमें परमेश्वर से जुदा करता है. If we do sin, God's presence will not be there. यदि हम लोग पाप करेंगे तो फिर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं रहती है. That is why we seek to please God. इसलिए हम लोग परमेश्वर को खुश करने की खोज में रहते हैं. Avoid all sin from our lives. हमारे जीवन में जो कुछ भी पाप की लुभावनाएं आते हैं उनको हम छोड़ते हैं, धुतकारते हैं. Seeking His presence continuously. और हमेशा उसके खोज में रहते हैं, उसके उपस्थिति के खोज में. Setting up our mind and heart up on God continuously. हमारा जो दिमाग है और दिल है वो निरंतर प्रभु के ऊपर ही लगाने की कोशिश में रहते हैं. Colossians 3:1-2 says, set your mind on the things that are above. कोलोसियों 3:1-2 में लिखा गया है कि अपने दिमाग को और दिल को ऊपरी चीजें पे लगाओ. So, Matthew's yesterday seen that Matthew 7:7, if you seek, you will find out. और जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था मत्ती 7:7 में कि यदि तुम खोजोगे तो फिर तुम पाओगे. So, God has created us and redeemed us. और परमेश्वर ने हमें बनाया है और हमें छुड़ाया है. The only purpose is to walk with Him in our life and the life to come. और उसका उद्देश्य ये था हमें छुड़ाने में कि हम उसके साथ चलें इस जीवन में और आने वाले जीवन में भी. So it is a great privilege to know Him and walk with Him. तो ये बहुत ही बढ़िया सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हम उसको जान सकते हैं और उसके साथ चल सकते हैं. So first thing we need to repent of all our sins. तो सबसे पहले हमें कौन सी चीज की जरूरत है कि हम हमारे सारे पापों से पश्चाताप करें? The Lord loves and draws near to all who repent of their परमेश्वर sins. उन सभियों से प्रेम रखता है और सभियों के नजदीक जाते हैं जो अपने पापों से पश्चाताप करते हैं. Jesus came to this world to save from all our प्रभु यीशु दुनिया में आए ताकि वो हमें हमारे सारे पापों से छुड़ाएं. That is why he God delights his heart if we repent from all our sins. इसलिए जब भी हम लोग हमारे पापों से मन फिराते हैं तो परमेश्वर के दिल में खुशी होती है. Luke 15:10 says, an extraordinary joy in heaven when sinners repent. लूका 15:10 लिखा गया है कि स्वर्ग में बहुत ही बड़ा जश्न मनाया जाता है जब कभी भी एक पापी मन फिराता है. So if we repent, God is nearing us. तो जब कभी भी हम लोग पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमारे नजदीक आता है. सो गॉड इज सो लविंग एंड फुल ऑफ काइंडनेस. परमेश्वर जो है बहुत ही प्रेमी है और करुणा से भरा है. इफ यू रिपेंट इमीडिएटली ही फॉरगिव्स. यदि हम लोग पश्चाताप करते हैं तो तुरंत हमें वो माफ करता है. ही इज ग्रेसियस, कंपैशनेट, स्लो टू एंगर एंड अबाउंडिंग इन लव एंड मर्सी. दयालु है, करुणामय है, गुस्से में जल्दी नहीं आता और प्रेम और दया में बहुत ही बहुताई है वो. He will not take pleasure in even one wicked to die.
और एक दुष्ट व्यक्ति की मौत में भी उसको कोई आनंद नहीं मिलता. That is why if we repent, we can near approach God. इसलिए यदि हम लोग पश्चाताप करेंगे तो हम लोग परमेश्वर के नजदीक आ सकते हैं. Then second thing is we have to obey. और दूसरा बात यह है कि हमें आज्ञा माननी है. Daily walking in holiness. हर रोज हमें पवित्रता में चलना है. Daily surrender to Jesus Christ. हर रोज प्रभु यीशु की ओर खुद को समर्पित करना है. Jesus Christ must be our Lord in our life. प्रभु यीशु को हमारे जीवन के ऊपर मालिक बनना है. Then we can walk with Jesus and fellowship with Jesus. फिर हम लोग प्रभु यीशु के साथ चल सकते हैं, उसके साथ संगति रख सकते हैं. Next quality is humility. दूसरी और एक बात है, वो है नम्रता. 1 Peter 5:8 says God gives grace to the humble. पहला पत्रस 5:5 कहता है कि परमेश्वर अनुग्रह देता है नम्र व्यक्तियों की ओर. Isaiah 57:15 says यशायाह 57:55 कहता है, 15 कहता है, God dwells with the humble in heart. परमेश्वर जो नम्र व्यक्ति है मन में उसके साथ बसता है. Yes. Isaiah 66:2 says God seeks the people, humble people. यशायाह 66:2 कहता है कि परमेश्वर नम्र लोग की खोज में रहता है. That is why we humble ourselves and repent of our sins. And third thing is we have to pray day and night. तो इसलिए एक तो हमें खुद को नम्र करना है, मन फिराना है पापों से, और तीसरा है repent. You said what you said? Third one? Pray. तीसरा है प्रार्थना करना है. Pray day and night to seek His face. दिन रात प्रार्थना में रहना है और परमेश्वर के चेहरे के खोज में रहना है. Hebrews 11:6 say he rewards those who seek diligently. हिब्रानी 11:6 में लिखा है कि वो उन सभीयों को इनाम देता है जो उसकी खोज मेहनत से करते हैं. This must be our prayer. यही चीज को हमारी प्रार्थना भी रहनी चाहिए. ओ लॉर्ड ओपन माई आईज. हे परमेश्वर मेरे आंखों को खोल. Have mercy on me. मेरे ऊपर करुणा दिखा. Reveal yourself. अपने आप को मुझे दिखला. I long to see you, Lord. मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे देखूं. I long to see your face. तेरे चेहरे को मैं देखूं. Help me in the name of Jesus. मदद कर प्रभु यीशु के नाम में. Yes, brother. Daily we have to pray like this, and God will reveal His face to us. We can enjoy His presence. हाँ भाई और बहनों, हर रोज हमें इस रीति से प्रार्थना करना है और परमेश्वर खुद को हमें दिखलाएगा और उसकी उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं. God bless us. Amen. परमेश्वर हमें आशीष करे. आमीन. I thank God for the wonderful privilege today. मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को आज के अच्छे समय के लिए. So I want to share from 1 Timothy 4:15-16. पहला तिमोथियस चैप्टर 4 में जाएंगे. पहला तिमोथियस चैप्टर 4 वाक्य 15-16. Take pains with these things. Be observed in them so that your progress will be evident to all. उन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाया रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो. Pay close attention to yourself and to your teaching. अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख. Persevere in these things as for as you do this you will ensure salvation both for yourself and for those who hear you. इन बातों पर स्थिर रहे क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा. So how I can ensure that I am saved? तो कैसे मैं ये निश्चित कर सकता हूँ कि मैंने उद्धार पाया है? और how I can protect my salvation? किस रीति से मैं अपने उद्धार का सुरक्षा कर सकता हूँ? It is mentioned that you should be reveal everyone I am growing. तो यहाँ पे लिखा गया है कि सबको प्रकट होना चाहिए कि मैं आत्मिक रीति से बढ़ रहा हूँ. So that your progress will be evident to all. ताकि सभियों को दिखे कि मेरी जो बढ़ोती है, प्रगति है, वो सबको दिख रही है. So we are reading Bible every day. हम लोग हर रोज बाइबल पढ़ते हैं.
it is just not just for our knowledge or just for just it is not not just for to get knowledge. तो वो सिर्फ हमारे ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है. Because we know that there are two trees, that tree of knowledge, and the tree of life. क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि दो वृक्ष थे पहले भी, और वो एक है ज्ञान का सही और गलत के बारे में, और दूसरा था जीवन का. So if I'm reading the Bible, just get the knowledge, what is good, what is evil, then I will surely die. तो यदि मैं सिर्फ बाइबल पढ़ू ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, तो जरूर आत्मिक रीति से मैं मृत्यु की ओर जाऊंगा. But I have to read Bible so that I can gain the life of Jesus Christ. लेकिन यदि मैं बाइबल पढ़ू ताकि मैं प्रभु यीशु का जीवन प्राप्त करूं. So even I should not read the Bible so that whether this is sin or not. तो मुझे बाइबल इस उद्देश्य से भी नहीं पढ़ना है कि कोई बात पाप है या नहीं. Because most of the time we hear from the, our church brothers, elder brothers, it is not good question whether it's sin or not. क्योंकि कई बार हम हमारे अगुओं से सुनते हैं कि जो मनोवृत्ति होती है जो हमेशा पूछते रहता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या वो पाप है या नहीं पाप है, ये एक सही मनोवृत्ति नहीं है. It is good question is whether this is will of God or not. बेहतर प्रश्न ये है कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं. Whether I can grow in godly. क्या ये करने से मैं आत्मिक रीति से बढ़ सकता हूँ. Whether this is profitable for my Christian life. क्या मेरे ईसाई जीवन में ये करने से लाभ मिलेगा या नहीं. So that is what we are, everybody can understand I am progressing in the Christian life. तो इसलिए यदि मैं ऐसे तरीके से जीऊंगा तो सभी लोग देख पाएंगे कि मैं अपने ईसाई जीवन में प्रगति कर रहा हूँ. So even Brother Zach mentioned that he used to compare with the businessman. तो ब्रदर जैक भी कई बार कहते हैं कि वो अपनी तुलना एक व्यापारी से करते थे. सो आई वॉन्ट टू रीड आई जस्ट वॉन्ट टू कोरिलेट विद दिस एग्जाम्पल. तो मैं ये उदाहरण के साथ इस चीज को सामने रखना चाहता हूँ. साम 115 भजन संहिता 115 4 5 6 7 8 एंड 9 भजन संहिता 115 4 से 9 यू कैन रीड ब्रदर. भजन संहिता 115 4 से 9 उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है, उनका मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती. 115:4-9 राइट. यस यस. उनका मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती. जैसी वे हैं जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे. सो हियर हाउ द पीपल आर वर्शिपिंग आइडल्स. तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं उन लोगों के बारे में जो मूर्ति पूजा करते हैं. सो हियर इफ आई कंपेयर विद अ बिजनेसमैन, सो हिज गॉड इज मनी. तो यहाँ पे हम लोग एक व्यापारी की, अगर एक व्यापारी को यहाँ पे डालेंगे उदाहरण के तौर पर, तो हम लोग समझेंगे कि हिज मनी हिज इज आइडल, यू सेड ना. तो उसका जो मूर्ति, उसका जो पैसा है, वही उसके लिए एक मूर्ति है. सो बिफोर दैट हियर इट्स मेंशन दैट the people they are worshipping idols, they also like idols because they cannot speak, they are very hard, they don't realize, they do not worry for to committing evil or crime. तो यहाँ पे लिखा गया कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग मूर्ति समानी बन जाते हैं, कठोर बन जाते हैं, समझ ना समझ बन जाते हैं, और उनको कोई चिंता नहीं होता कि यदि लोग पाप कर रहे हैं कि नहीं. So here I want to mention that if I am saying that they are like their God. What I am, if I am telling I am worshipping God, the true God, whether I am liking the true God or not. Whether I am becoming like the true God. Yes. तो यदि इससे मैं ये समझता हूँ कि जो लोग जिस चीज की आराधना करते हैं वैसे ही बन जाते हैं, तो मुझे ये प्रश्न खुद से पूछना है कि यदि मैं सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ तो क्या मैं वो जीवित परमेश्वर के जैसे बन रहा हूँ.
So they are telling, yeah, these are idol, my God. So I am like the my God. But I am telling, I am worshipping, I am following the true God, whether my life is changing like my God. तो यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा गया है कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो अपने मूर्तियों के समान बन जाते हैं, तो मुझे जांचना है कि मैं जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ तो क्या मैं उसके स्वरूप में बदलते जा रहा हूँ. So which means I am not so that so most of the time we are giving this verse especially for the unbelievers. So how your God is like that? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग ये वचने पढ़ते हैं तो हम लोग अविश्वासियों के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि कैसा उनका भगवान है. Yeah, they are correct because they are like their God. और लेकिन असल में वे लोग सही हैं, वो लोग अपने भगवान के जैसे ही बनते जा रहे हैं. बट आई एम सेइंग आई एम वर्शिपिंग द ट्रू गॉड बट आई एम नॉट चेंजिंग माय लाइफ इज नॉट चेंजिंग माय लाइक माय गॉड. लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ लेकिन मेरा जीवन मेरे परमेश्वर के अनुसार नहीं बन रहा. सो देन आई एम जस्ट प्रीचिंग ओनली आई एम नॉट फॉलोइंग माय व्हाट आई एम टेलिंग. इसका मतलब ये है कि मैं बस प्रचार कर रहा हूँ लेकिन जो मैं प्रचार कर रहा हूँ उसका पालन नहीं कर रहा हूँ. So the second thing is the businessman, he is saying, my God is money. दूसरा उदाहरण है व्यापारी का जो कहता है कि पैसा उसका भगवान है. So he is telling us, he is thinking that money is God. So he is worshipping God. He is very earnestly, he want to make more profit. He want to gain more business. He want to get more attractive customers. So this is his thought. और क्योंकि वो कहता है कि पैसा उसका भगवान है तो वो पूरी कोशिश में लगा रहता है कि कैसा उसका व्यापार बढ़े, कैसे वो और पैसा कमाए, कैसे वो अपने जो ग्राहक है उनको खुश रखे. सो इफ आई एम टेलिंग आई एम फॉलोइंग गॉड फॉर वी नो दैट देयर आर टू मास्टर, वन इज मनी, वन इज गॉड. तो यदि हम लोग परमेश्वर का पीछा कर रहे हैं तो हम लोग पढ़ते हैं सुसमाचार में कि कैसे प्रभु यीशु ने कहा है कि दो ही भगवान है इस दुनिया में, एक है सच्चा परमेश्वर, दूसरा है पैसा. सो वी आर सेइंग दैट आई एम नॉट फॉलोइंग मनी, आई एम नॉट वर्शिपिंग मनी, बट आई एम वर्शिपिंग गॉड. सो माय मास्टर इज गॉड. वेदर आई एम सीकिंग होल हार्टेडली माय गॉड. तो यदि मैं कहता हूँ कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है और ना कि पैसा, तो क्या मैं मेरे परमेश्वर के खोज में पूरे मन से लगा हूँ उसी रीति से जैसे एक व्यापारी पैसों के पीछे लगा रहता है? So this is what brother Zach, I was compared with the businessman. He want to earn more money. I also want to gain more life from the Bible or I want to press on the perfection. तो यही चीज मैंने भाई जाके संदेश से भी समझा कि जिस रीति से एक व्यापारी हमेशा और पैसे की खोज में रहता है उसी रीति से मुझे मेरे जीवित परमेश्वर का जो जीवन है उसके खोज में रहना है. सो दिस इज द वन थिंग आई हैव टू इवन आई आल्सो वांट टू ईगर दैट या आई वांट माय गॉड इज जीसस क्राइस्ट. आई वांट टू बिकम लाइक माय प्रोग्रेस शुड बी नोन बाय एवरीवन. तो मुझे भी इसी रीति से हमेशा ये हियाव बांधना है कि प्रभु यीशु मेरा परमेश्वर है तो मुझे उसके जैसे और बनते जाना है और ये प्रगति को सभियों को भी दिखलाना है. सो इन 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 6 इट इज मेंशन दैट प्लीज सेव योरसेल्फ. तो पहला तिमोथी चैप्टर 4 वाक्य 6 में लिखा गया है कि तुम खुद के उद्धार को बचाए रखो. सो इफ आई वांट टू सेव अदर्स, इफ आई वांट टू आई वांट टू गिव गॉस्पेल, आई वांट टू गिव I want to do some ministry. So the first thing is I have to save myself. तो यदि मैं इच्छा रखता हूँ कि परमेश्वर की मैं सेवा करूँ, सुसमाचार को मैं फैलाऊं और दूसरों को परमेश्वर के उद्धार के ज्ञान में लाऊं, तो सबसे पहले मुझे खुद के उद्धार के ऊपर ध्यान देना है. So if I am not saving myself, I cannot save others. क्योंकि यदि मैं खुद उद्धार के जीवन में नहीं जी रहा हूँ तो मैं दूसरों को उद्धार की ओर नहीं लेकर आ सकता. So that is what we are focusing on mostly, that how others are. How others are getting saved. कई बार क्या होता है कि हम लोग दूसरों के उद्धार के ऊपर ध्यान लगाने लगते हैं. But the Bible is mentioned, please save yourself first. लेकिन बाइबल कहता है कि तुम सबसे पहले खुद के उद्धार के ऊपर ध्यान दो. So our life should be shown others, then they will saved automatically. तो हम लोग के life should be saved, then others should be saved automatically. Yeah. तो हमें सबसे पहले खुद के उद्धार के ऊपर ध्यान देना है और उसके जरिए फिर दूसरे लोग भी उद्धार पाएंगे. So this is what we are meditating on. We want to know more about God. तो इसलिए हम लोग ये चीजों के ऊपर मनन कर रहे हैं ताकि हम लोग और परमेश्वर को जाने. So it is the correct word is knowing God.
it is better correct word it is compared with no about god तो सही शब्द क्या है यहाँ पे कि हम परमेश्वर को पहचाने और ना कि सिर्फ परमेश्वर के बारे में जाने आमेन आमेन प्रेज़ गॉड आई वांट टू टर्न टू फिलिपींस चैप्टर 2 फिलिपींस चैप्टर 2 वर्सेस 14 एंड 15 इट्स मेंशनड हियर इन एवरीथिंग यू डू स्टे अवे फ्रॉम कंप्लेनिंग एंड आर्ग्यूइंग सो दैट नो वन कैन स्पीक अ वर्ड ऑफ ब्लेम अगेंस्ट यू So in this, God has been speaking to me over the recent times about how many times I've been tempted to complain and argue or grumble when some circumstance happens in my life which is against my will. And we get tempted to do that, but then I feel as if I do that, then I won't be able to fulfill the will of God in my life. God's word says, rejoice in the Lord always, always give thanks, in everything give thanks. So something if it happens against my will, I must not argue about it or complain or grumble about it. It's not easy. Naturally we feel like complaining and grumbling, but we must not do that. But depend on God's grace to not do that. And I'm seeking God for grace to always rejoice and always give thanks for every circumstance, for all people and for all things. Amen. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को ढूंढने के लिए सबसे पहले मैंने जीवन में जो था पहला विश्वास था जैसे इब्रानियों के चैप्टर 11 में 6 और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है तो परमेश्वर हमेशा जब भी मैं विश्वास से चलता हूँ परमेश्वर के साथ तो परमेश्वर बहुत सारे पापों से मुझे विजय देता है खास करके मुझे अगुवाई करता है कि इस रास्ते में तुम्हें नहीं जाना है ये रास्ते में तुम परमेश्वर से दूर हो जाओगे बैक स्लाइड हो जाओगे अपने मन से तुम मत चलो परमेश्वर का वचन कहता है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो तो परमेश्वर हमें हमेशा इनकरेज करते हैं कि अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं बस सेकंड कुरिन्थियों में पॉल बोलता है कि चेक अप योर फेथ जेनाइन फेथ इन क्राइस्ट है कि नहीं और एजकेल चैप्टर में 18 में 31 से 30 से मैं पढ़ता हूँ प्रभु यहोवा की यह वाणी है हे इसराइल के घरानों मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो और अपना मन अपनी आत्मा बदल डालो हे इसराइल के घरानों तुम क्यों मरो क्योंकि यहोवा प्रभु यहोवा की वाणी है जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होगा इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे तो परमेश्वर मुझे बहुत एनकरेज करते हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल सोल के बारे में मतलब एक सोल अगर पाप करेगा तो उसका उसका ही जिम्मेदारी है वो नरक में जाएगा मतलब गॉड ऑलवेज विलिंग टू सेव मी क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं हमें बचाना चाहते हैं तो जैसे इसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि उनके स्वरूप में होते जाए हर दिन उनके उनके चिन्हों पर चलते रहे उनके वचनों पे हम चलते रहे और देखते रहे परमेश्वर हमें प्रकाश भी देता है कि इस रास्ते में मत जाना क्योंकि ये तुम्हें भटका देगा परमेश्वर का वचन से ध्यान से ज्योति से चलते रहना तो परमेश्वर का मैं आभारी हूँ इन दिनों मुझे परमेश्वर बहुत कुछ प्रार्थना में समय में बहुत सिखा रहे और खास कर परमेश्वर अगुवाई बताते हैं कि सेट योर माइंड हेवनली थिंग्स नॉट फॉर द अर्थली थिंग्स और परमेश्वर का मैं आभारी हूँ कि उनके अनुग्रह के लिए और वचन के लिए जिससे हमें प्रकाश मिलता है कि हम कितने पाप में जी रहे थे लेकिन परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा वो जलन देता है अंदर से सीरियसनेस देता है कि हमें हर दिन पाप से मन फिराना चाहिए हमें So brothers and sisters, people can come and give a testimony or something what God has helped you in your personal life.
be quick about it. One by one, press the button, unmute button, and just share briefly and give thanks to God one by one. I thank God for this time. जब ये लॉकडाउन 4 अनाउंस हुआ था तभी मेरे स्टाफ जो मेरे शॉप पे काम करते हैं वो सब मणिपुर से है, तो सब ने मुझे मैसेज किया कि हम लोग गांव जाएंगे और जब सब ठीक होगा तब हम वापस आएंगे, और सिर्फ अब 3 ही लोग बचे हैं. तो मैंने जब ऐसा सिचुएशन आता है हम प्रिपेयर नहीं होते हैं, और मुझे बहुत रेस्टलेस लगा और मैं बहुत उदास थी कि प्रभु अब क्या होगा, आगे कैसे करेंगे. और बहुत सारी चीजें होती है पैसा कमाने के लिए नहीं, मगर रेंट होता है, बहुत सारे ओवरहेड्स होते हैं, तो एक बोझ आ जाता है. तो मैं बहुत रात को प्रार्थना कर रही थी, मुझे नींद नहीं आ रहा था, और मैं प्रभु को पूछ रही थी कि मुझे कुछ कहो प्रभु के ये क्या आपकी इच्छा है या कैसे है, क्या होना है आगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. और जब मैं सोई और फिर सवेरे उठी तो एक प्रभु का बहुत ही ज्यादा आनंद था मेरे हृदय में. मुझे वो बातें भी याद नहीं आ रही थी और बुरा भी नहीं लग रहा था और बहुत खुश महसूस हो रहा था. और फिर प्रभु ने मुझे एक ही बात कहा दैट आई हैव मेड दिस हैपन, मैंने ये करवाया है. और वो एक वचन, वो एक स्टेटमेंट मेरे लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट था कि प्रभु अगर आपने किया है ये तो ये बहुत ही उत्तम होगा, और मुझे इसके आगे और कुछ ना सोचना है, ना मुझे कुछ फ्यूचर का कैलकुलेशन भी नहीं करना है. और फिर मैं एक दिन मेरे जो दो स्टाफ है उनको शॉप पे लेके गई सफाई के लिए, जब परमिशन मिला कि सफाई कर सकते हैं. तो तभी जब मैं उसके साथ बात कर रही थी, वो लड़की मेरे साथ एक 6-7 साल से काम करती है. वो लोग सब मेरे सलोन में सब क्रिश्चियन है, बैप्टिस्ट चर्च में जाते हैं, मगर मैं देखती हूँ हमेशा उनका जीवन हमेशा झगड़ा करने में गुस्सा हो जाते हैं, या फिर उनकी जो पर्सनल रिलेशनशिप्स भी बहुत लस्टफुल और अलग रहती है. तो मैं हमेशा प्रार्थना करती थी उनके लिए, उनको वचन शेयर करती थी, वो लोग सब हाँ हाँ बोलते थे, बट कभी उनकी लाइफ में रिपेंटेंस नहीं होता था. इस बार पहली बार मैं जब उससे बात की तो वो बता रही थी कैसे इस मुश्किल समय में प्रभु उसके और करीब आ रहा है, वो बाइबल ज्यादा पढ़ रही है, वो लोग घर में ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, और बार बार मुझे वो बता रही थी. और जब मैंने उसको यीशु मसीह के बारे में और समझाया और ह्यूमिलिटी और प्राइड के बारे में बताया, मैंने उसकी आंखों में लिटरली देखा देयर वाज रिपेंटेंस. और पहली बार वो लोग रिपेंटेंस के बारे में खुद से बात कर रहे थे, जो 6 साल में नहीं हो पाया इस लॉकडाउन में हो पाया. तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जो सोचते थे कि वो लोग मसीह है और सोचते थे कि प्रभु के साथ है बट एक्चुअली नहीं थे, वो लोग को जो शेकिंग आया है वो आई कैन सी दैट इट इज फॉर गुड. सो आई थैंक गॉड कि एक्चुअली प्रभु अब ज्यादा काम कर पा रहा है उनके जीवन में. और दूसरा एक टेस्टिमनी है कि कल मेरे सोसाइटी में, मैं यहाँ पे जहाँ रहती हूँ 5 साल से रहती हूँ, और एक लेडी है, मेरे को मालूम नहीं था कि वो क्रिश्चियन है, बट बातचीत हुई, उसको पता चला कि मैं बाल काट सकती हूँ, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मेरे बाल काटोगे क्या. और उसी समय में फिर वो मुझे बता रही थी उसका एक्सपीरियंस के दूसरे क्रिश्चियन जो बहुत ही एक्सट्रीम क्रिश्चियन थी, और वो मेडिसिन नहीं लेती थी, उसके हस्बैंड भी जब बीमार थे मेडिसिन नहीं लेने दिया और वो मर गए, तो 3 दिन तक वो प्रार्थना की, बॉडी को उधर ही रखा कि जीसस कैन रेज अप द डेड. तो उसने इतना एक्सट्रीम क्रिश्चियनिटी देखा कि वो अभी वो क्रिश्चियनिटी से काफी दूर भाग जाती है. और मैंने उसको जीसस के बारे में not the miracle side but the life of Jesus, humility and love and victory over sin, wo sab cheez ke bare mein baat kiya, to usko bahut alag laga ki maine aisa kahin nahi suna hai. To prabhu ko dhanyawad deti hu ki main nahi to 5 saal mein kabhi usse baat nahi kiya, but aise situation mein prabhu bahut sare doors khol raha hai jahan pe log
पहले ओपन नहीं थे, अब वो ओपन हो रहे हैं और यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए और उत्सुक है. एंड गॉड इज ऑल्सो ओपनिंग डोर्स इन डिफरेंट वेज टू मिनिस्टर. सो आई थैंक एंड प्रेज गॉड फॉर दिस सिचुएशन. Anybody else, please come forward. God is always teaching us something other. प्रभु हमको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, तो ये आगे आके हमको प्रभु का गवाही देना चाहिए. धन्यवाद. देन सो लास्ट नाइट आई वॉज ऑन द इंटरनेट एंड I think some photographs of Brother Ravi Zacharias were published yesterday, which I had not seen in the past. There were some very recent photographs of him in his home when he was on his deathbed, basically, surrounded by his family and all that. So a couple of photos where he was with his grandchildren and one photo of him having just passed away with his children sort of surrounding him and one daughter sort of holding him and crying. So, I mean, when I saw those photos, I was sort of, then I went to sleep, I was on my bed. I was just thinking these things and I was feeling quite sad. I was just thinking about these aspects about death and how, though there are many good things in life, how suddenly death can sort of end all of these things and how many sad things there are also in life. Like, for example, Brother Ravi still lived up to a good age, but there are other people who die really young. Sometimes, you know, and then their family or their spouses have to carry on for many, many years alone and with that grief. So sometimes, I mean, I was thinking about all these things and I was feeling quite low and sad about how in life there are so many things like this and how death and all of these things are there. And I was thinking about these things when I remembered one verse. It's the shortest verse in the Bible. It says Jesus wept in the Gospel of John. And basically what it made me realize was that when Jesus wept, he knew that he was going to raise Lazarus from the dead. He knew that that situation was going to change. But still Jesus wept at that time. It was because while Jesus knew what he was going to do and that the end was not going to be something sad, but at the same time, he identified and could relate with what people, what Martha and Mary were going through at that time. You know, it's something similar to how all of us, all of those who are in the Lord, when they die, they don't stop existing. They go into God's presence. They're happy there. And one day we will meet them again. But those who are left behind on this earth still experience pain and sadness. And, you know, Jesus is the same today, yesterday and forever. So though Jesus knew that Jesus would raise Lazarus, he still identified with the pain of Mary and Martha and wept with them in the same way. Even today, though Jesus knows that those who have passed away are with him and one day will return and we will meet them. But that does not mean that Jesus tells us that you should not be sad and you should not mourn if something bad happens, just because in the end we are going to meet them and everything is going to be right. Jesus still understands that as real as that final union would be with all of these people, the suffering and the pain and the loss that people go through on this side of life is also real. And Jesus does not despise that. In fact, he identifies us with us in that pain and in that mourning, and he comes along and he helps us. So I think that is basically the wonderful message, I believe, of the Christian faith, wherein God is not some distant person or someone who does not understand our emotions, our sense of loss, our feelings and our hurts. He identifies with them. He has gone through them himself because he lived here as a man. And even though he knows that one day everything will be set right, and everything, all the tears will be wiped away one day, still, in the current situation that we are in, he understands our pain. He comes alongside us. He relates with us. He helps us. And he carries us through. So I'd just like to end with that quote of Brother Ravi only, whom I think he had made the statement at the beginning of this year when he had visited India. He said that often people say that time is the healer. And he said, that's not true. Time is not the healer. Time is just the revealer of how God does the healing.
And so all of us who may have these different periods of mourning or loss for whatever reason, you know, God does not despise us for that. God understands our pain. And though he knows that one day he will set everything right, he still understands and relates, and he comes alongside us and helps us. परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ. कुछ बातें मेरे जीवन में जो मैंने अनुभव किया है बहुत वक्त पहले, उसको मैं बताना चाहती हूँ. और बहुत वक्त पहले ऐसे हुआ करता था कि मुझे बहुत लोगों पर, मनुष्य पर बहुत उम्मीदें लगी रहती थी, लाइक वाइफ होने के बाद हस्बैंड के तौर पे. तो उस उम्मीदों की वजह से लाइक मुझे बहुत, फिर जब उम्मीदें पूरी नहीं होती थी तो मुझे बहुत ही निराशा होती थी, मैं बहुत ही दुखी हो जाती थी. मेरे जीवन में से जो प्रभु का आनंद है वो चला जाता था, और मैं प्रभु की संगति से भी दूर हो जाती थी, क्योंकि मुझे उम्मीद रहती थी कि कोई, मैंने किया है इतना कुछ तो मेरे लिए भी वो रिटर्न में आना चाहिए वैसा. तो वैसा नहीं होता था तो बहुत दुख होता था. फिर परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे सिखाया, मुझे बताया, दिखाया कि मैंने तुम्हें जो भी स्थान पे रखा है, एक पत्नी के स्थान पे, एक माँ के स्थान पे, एक बहन के स्थान पे, या एक माँ, एक ये बेटी के स्थान पे, जो भी मैंने तुम्हें रखा है, वो जिम्मेदारी मैंने तुम्हारे हाथ में सौंपी है, तुम्हें उसे पूरा करना है. वो तुम्हारा कर्तव्य है, वो जिम्मेदारी है जो मैंने दिया है. और तुम्हें उम्मीद जो है वो लोगों पर नहीं लगाना चाहिए, परंतु अपने पिता परमेश्वर पे तुम्हारी पूरी उम्मीद, तुम्हारी पूरा जो लक्ष्य है प्रभु परमेश्वर पे होना चाहिए, कि वो तुम्हारा इनाम देने वाला है. अगर तुमने सारी जो जिम्मेदारी तुम्हारी की और उसके, प्रभु के वचन के अनुसार और प्रभु की इच्छा के अनुसार तुमने सब कुछ पूरा किया, तो प्रभु तुम्हारा इनाम देने वाला है. जब मुझे वो बातें परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझे सिखाई, तुझे उसके बाद फिर मेरे जीवन में बहुत ही आनंद आया. और कभी भी ऐसे, कभी कभी भावनाओं में भाग भी जाती थी, ऐसा होता था कि ऐसा आमिर हाबी भी होता है कि कभी कभी फीलिंग्स, कभी काम करते हुए या किसी ने कुछ बोल दिया तो छोटी सी छोटी बातों के ऊपर भी बहुत मन एकदम छोटा हो जाता था, मन में बहुत ऐसे मन भाव उभर आता था. तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, जब भी ऐसी कभी मन भर के आए तो तुम अपने आप को शांत करो. कभी बार ऐसा होता है कि जब भी हमारा मन भर आता है तो हम कुछ भी बोल देते हैं जो गलत है, एक्चुअली वो पाप में फिर गिना जाता है, हमारे मुंह से कुछ भी निकल जाता है. तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि ऐसे मामले में पहले अपने आप को शांत करो, और प्रभु ने जो तुम्हारे जीवन में, परमेश्वर ने जो भलाइयां की है उसको याद करो. फिर पवित्र आत्मा तुम्हें शांति देगा, तुम्हें ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, फिर तुम अपने आप में वो शांति महसूस करोगे, वो आनंद महसूस करोगे, फिर तुम परमेश्वर की संगति में और आगे बढ़ते जाओगे, नम्रता से बढ़ते जाओगे. परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ. हमें मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, और कुछ बातें जो प्रभु ने सिखाई है वो मैं बताना चाहती हूँ. प्रभु में जब से चल रही हूँ काफी साल हो गए, और जब सही तौर से प्रभु की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया तब मेरे पास कोई ब्रदर जैक के जैसा कोई टीचिंग नहीं था, इतना सोशल नेटवर्क नहीं था, जो बाइबल था उसमें से ही सीख रही थी और वचनों से प्रभु सिखाता था. तो वो समय बहुत ही अच्छा था. जब मैं ये ड्यूटी पे जाते थे तो मैं वो वचनों के साथ और प्रभु के साथ में बैठ के घंटों बैठा करती थी, तो वो समय बहुत ही अद्भुत था. फिर मेरे एक्सीडेंट के टाइम में भी मैं काफी साल जब घर में थी तब भी प्रभु ने मुझे बहुत बढ़ाया और बहुत शांति मिलती थी. लेकिन अभी कुछ दिनों से जैसे मैं महसूस कर रही थी कि मैं, जैसे ब्रदर तो हमेशा एनकरेज करते हैं और बहुत अच्छा है, वो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, वो हमेशा ट्रेस देते हैं उस पे और उसके लिए वो हमेशा याद रहता है. मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ ऐसे अगुओं के लिए, ऐसे हमारे चरवाहों के लिए. और ये भी ब्रदर बार बार बोलते हैं कि गॉसिप नहीं करना है और फोन पे बातें नहीं करना, किसी को मत बोलना है. बिल्कुल सही बात है, तो वो ज्यादा इसमें बातें चली जाती हैं. तो ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो मतलब गॉसिप भी नहीं करना, फोन पे नहीं बोलना है, और ज्यादा भी कुछ ये नहीं करना. मिनिस्ट्री भी जो है हम लोग करते हैं तो उसका ये नहीं करना चाहिए, मिनिस्ट्री क्या होती है. तो ये सब करके सुन के सही में मैं किसी को नहीं ये करती हूँ, मेरा जो स्ट्रगल है वो बताती हूँ. तो मैं ऐसे बंधन में जकड़ गई थी कि मुझे, मेरा कॉन्फिडेंस ही चला गया था. और मैं तो शुरू से मैं बताती हूँ, मैं जिस माहौल से आई हूँ
मुझे सब मेरे सामने था, कोई मुझे रोकने वाला नहीं था, मैं काम कर सकती थी, पैसा बहुत कमा सकती थी, लेकिन ये मेरा निर्णय था, प्रभु ने मुझे यहाँ पे लाया। तो आई एम द लास्ट पर्सन, मैं कभी माइक लेना नहीं चाहती, मैं कभी सामने नहीं आना चाहती और कभी करना नहीं चाहती। जो कुछ प्रभु मुझे बता रहा था वो मन से करने के लिए प्रभु मुझे उत्साहित कर रहा था, ना पैसे के लिए ना नाम के लिए। और ऐसा बहुत प्रभु ने मुझे शांति दिया था, आनंद दिया था। लेकिन कुछ सालों से मैं पा रही हूँ कि अपने आप को इतना जकड़ रही हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन शांति से मैं अपना अपना काम, अपना घर का काम या जो कुछ प्रभु मुझे गाइड करता है वो कर रही हूँ। लेकिन मैं देख रही हूँ कि प्रभु कुछ ना कुछ मेरे जीवन में ऐसे ला रहा है, तो मैं कितना भी मना करूँ तो वो हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं और कितने पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ अच्छे लोग हैं, इतने डिग्री लिए हुए हैं, मेरे से बहुत होशियार लोग हैं, लेकिन मुझे कहा जाता है तुम ही प्रेयर करो, मुझे कहा जाता है कि तुम थोड़ा एनकरेज करो, तुम शेयर करो, तो मैं डर। और अभी मेरा बिल्कुल भी वो चला गया था, बोलना सोचना ये करना बहुत चला गया था, तो मैं बहुत डर जाती थी। लेकिन जब प्रार्थना करती थी तो प्रभु जो कुछ बोलता था, तब सामने वाले कह रहे थे कि ये दिल से था और हमें छू गया। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे फोन पे नहीं बोलना सही में, मैंने बिल्कुल भी, वैसे भी मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी। जो रिलेटिव्स है या कुछ भी अच्छा करो तो बुरा ही होता है, तो लोगों से वैसे दूर ही रहा करते थे। कोई अच्छा करने लगे तो ज्यादा डर लगने लगता था कि कुछ गलत ना हो जाए, तो ऐसा भी वैसे ही जीवन जी रहे थे। और उसमें ऐसा सुर के और भी अपने आप को जकड़ा हुआ पा रही थी, मैं खुल के बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन मुझे ऐसी जिम्मेदारी दी गई कि अभी ये लॉकडाउन में आप पूरा ये करो, कितने सारे लोग हैं, कौन क्या कर रहे हैं, उनका सब कुछ गलत है क्या, सही है, ईमेल है, फोन नंबर है। तो ऐसा देखते देखते मुझे पता चला कि बहुत सारे नंबर गलत है हग्गा इंस्टीट्यूट में, जो हग्गा इंडिया में जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए, तो वो जिम्मेदारी भी मैंने खुद नहीं ली। बहुत सारे वहां पे लोग हैं, उन लोगों ने प्रार्थना की और उनको उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारा ही नाम सामने आ रहा है। मैं काफी सालों से वहां पे कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी वो करना। तो वहां पे भी जब ये हो गया तो मैंने पाया कि मुझे बहुत अपने आप को अशांत महसूस करती थी कुछ कुछ लोगों के बारे में। और फिर अचानक से मैंने फोन किया, मैंने कितना अपने आप को रोका कि मुझे नहीं किसी के इसमें पढ़ना है, लेकिन मुझे किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या है, तो ऐसा लगा कि इन लोगों को मैं फोन करूं। तो फोन करने के बाद मुझे एक खास तौर से मैं बताना चाहती हूँ कि एक फैमिली को, एक लड़की को मैंने फोन किया, उनकी बेटी थी, उन्होंने रिक्वेस्ट दी थी कि उनके पापा को बुखार आ रहा है, बुखार है और उनके लिए प्रेयर करो, बुखार हॉस्पिटल में है करके। तो मैंने उनको सामने से फोन किया, हालांकि वो इसमें है ही नहीं, हमारी अगाई के इसमें से नहीं है, उन्होंने किसी को रिक्वेस्ट दिया और उन्होंने वो रिक्वेस्ट भेजा। लेकिन मुझे उनको फोन करने के लिए बहुत अपने आप में मैंने अशांत महसूस किया और उनको फोन किया। तब मुझे पता चला कि वो जो बेटी है उसकी डिलीवरी 1 महीने पहले हो गई है, छोटा बच्चा है, उसकी मम्मी उसके साथ में है, और जो पिताजी है वो 10 दिन से उनका बुखार नहीं उतर रहा था, और उनका बुखार बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था, और उनके दोस्त लोग हैं या करीबी लोग हैं, वो ऐसे 2-3 लोगों की मृत्यु हो गई है, इसके लिए वो बहुत उदास है। और उनका भाई जो है वो उधर उधर दौड़ के जा रहा है, इस कंडीशन में वो लोग नहीं मिल पा रहे, तो वो बहुत डिस्टर्ब थे। तो मैंने उसके साथ प्रेयर की और उससे थोड़ी बातें की, तो उसको इतना अच्छा लगा, और उसी दिन रात को उनका बुखार उतर गया। और उनको फिर कोविड के लिए टेस्ट के लिए भी गए थे, तो उसके लिए भी वो परेशान थे, तो मैं लगातार 2-3 दिन उनके कांटेक्ट में थी, ज्यादा कुछ नहीं इसके लिए बारे में ही। तो फिर प्रभु ने मुझे फिर से हिम्मत दी, कल भी 1-2 बार मैंने महसूस किया, तो ये मुझे ऐसा बंधन में नहीं जकड़ना। और जब मैं मत्ती में देख रही थी तो मैंने देखा कि मरियम के बारे में, जब देख रही थी कि सही में यूसुफ उनको छोड़ना चाहता था, एक बहुत ही मतलब ऐसी घटना थी कि वो जो कभी नहीं हुई, लेकिन मेरी ने अपने आप को अलाउ किया कि कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लोग कितनी सारी बातें बोल सकते हैं, उसके घर वाले हैं, उसकी शादी टूट सकती थी, कितने सारे लोग गलत बातें बोल सकते थे, लेकिन उसने अलाउ किया, परमेश्वर को अपने जीवन में अनुमति दी, जो कुछ परमेश्वर कार्य कर रहा था। तो उस वक्त कठिनाइयां तो जरूर होगी, उसके लिए हाँ, प्रभु को हाँ कहना है, किसी और उद्देश्य के लिए नहीं, प्रभु के लिए, प्रभु ने कहा है। तो प्रभु सही में
जीसस जो है उसके द्वारा पैदा हुआ है, वैसे ही हमें हमारे जीवन से भी प्रभु का प्रकाश बाहर आता है। यह तो एक छोटा फोन कॉल या एक छोटी सी चीज, मिनिस्ट्री और कुछ नहीं है, ये मैं दिनों में समझी हूँ। मिनिस्ट्री मतलब कोई काम कर रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है तो मिनिस्ट्री है, या ऐसा कुछ नहीं। कोई चर्च में भी कोई हम लोग शेयर करते हैं या वर्शिप के लिए लोग आगे आते हैं, वो भी मिनिस्ट्री, अलग अलग तरह की मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री वो नहीं, हम हर कोई मिनिस्ट्री करते हैं, जो हम परमेश्वर को मानते हैं हम हर कोई मिनिस्ट्री करते हैं, जहां कहीं हो, हमारे घर में हो, बाहर हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। और फिलिपियों 4:13 वचन से मुझे परमेश्वर ने सामर्थ दिया कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक वचन ऐसा है कि परमेश्वर ही वो इच्छा देता है और वही सामर्थ देता है करने के लिए। तो हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपनी एम्बिशन, अपने सम्मान या मुझे कुछ करना है। मुझे ब्रदर का हमेशा याद आता है कि वो हमेशा एक बात बताते हैं, हु इज द राइट पर्सन फॉर एल्डर, जो कुछ जो नहीं चाहते वही राइट पर्सन है। हमें किसी भी बात के लिए मुझे करना है करके नहीं, प्रभु चलाता है हमें, उस हिसाब से हमें चलना है, उस वक्त हमें शांति और सुकून मिलता है। Francis is there again? Coming? Yes, brother. Okay. So we'll come to the baking of bread in about few minutes, 10 minutes or so. I hope everybody has got a piece of bread and some drink with them. So if you don't have, please arrange it quickly and put a small glass of drink, any drink I mentioned, so we can take part in the bread, drinking of bread. All those who are born again, filled, baptized in water and living in the right relations with the Lord and loving His people can partake of the bread and wine, bread and drink, when you remember this, how Jesus died for us. So I was just thinking of this verse in Jeremiah, the book of Jeremiah, chapter 2. मैं यरमिया की किताब उसके दूसरे अध्याय में देख रहा था। Verse 13. यरमिया उसका दूसरा अध्याय 13वां वचन। For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, to hold for them cisterns, broken cisterns that can hold no water. क्योंकि मेरी प्रजा के दो बुराई की है, उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिया, वरन ऐसा हौद जो टूट गए है और उनमें जल नहीं रह सकता। So this is what the Lord is telling about his own people, the children of Israel. तो यही वो बात परमेश्वर कह रहा है इज़राइल के जो बच्चे हैं उनके बारे में। And this is the same problem with all of us. God is our father and we are his children. तो यही समस्या हम सभी के पास है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर हमारा पिता है। Most of the children of God, born again children, we tend to backslide. बहुत सारे जो नए जन्म के विश्वासी हैं, वो लोग आम तौर पे पीछे हटने लगते हैं। And the Lord says, "My people are committed two evils." और प्रभु कह रहा है कि मेरे जो लोग हैं, उन्होंने दो बुराई की है। First one is they have forsaken me. पहला तो ये है कि उन्होंने मुझे टुकरा दिया है। Who is the fountain of living waters? मुझे त्याग दिया उन्होंने जो बहते जल की सोता है। This is the most important the fault with us, sin, that we have neglected God completely. ये सबसे मुख्य एक गलती हमारे अंदर है कि हम परमेश्वर को पूरी तरह से हल्के में लेते हैं और नकार देते हैं। So we have forgotten God and put God aside and run after other things. तो हमने परमेश्वर को साइड में कर दिया है और बाकी सारे चीजों के पीछे भागने लग गए।
The first commandment is what God says, you shall love the Lord with all your heart and you shall have no other gods besides me. सबसे पहला आज्ञा जो मनुष्य कहता है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे संपूर्ण हृदय से प्रेम करना और तुम मेरे अलावा किसी और को अपना प्रभु कहकर नहीं मानना. When we forsake our Lord, then we run after money and our job and our ministry and so many other things. जब हम परमेश्वर को ठुकरा देते हैं तो हम हमारे पैसे और हमारी सेवकाई और बहुत सारे अलग अलग चीजों के पीछे भागने लगते हैं. And running after our family. और हमारे परिवार के पीछे भागने लग जाते हैं. So we must not forsake God. God should always be first in our lives. हमें कभी भी परमेश्वर को नहीं ठुकराना चाहिए. परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान होना चाहिए. As we heard in the meeting before that we have to seek God first in our life. ये हमने मीटिंग में सुना कि हमें परमेश्वर को खोजना है. हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर होना चाहिए. Jesus said, seek ye first the kingdom of God. यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो. If we don't seek the kingdom of God, we will seek our own kingdom. अगर हम परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करेंगे तो हम हमारे खुद के राज्य की खोज करेंगे. That is my name, my work. और वो ये है कि मेरा नाम और मेरा काम. So that is what we like to run after. और यही हमें अच्छा लगता है कि हम उसके पीछे भागते रहते हैं. And we keep God in the corner, and then once in a week we remember Him, and then do our own work. और हम परमेश्वर को एक कोने में डाल देते हैं और हफ्ते में एक बार हम परमेश्वर को याद करते हैं और फिर बाकी दिन हम हमारा खुद का काम करते रहते हैं. This is the most evil thing that the children of God are doing nowadays. ये सबसे बुरी बात है, सबसे दुष्ट वाला काम है जो परमेश्वर के जो बच्चे हैं वो आजकल कर रहे हैं. The devil tempts us to do seek our own name and fame. शैतान हमें लुभाता है कि हम हमारे खुद के नाम, खुद के ही काम को हम और पूछते रहे. And that's why we forsake God. और इसीलिए हम परमेश्वर को त्याग देते हैं और टुकरा देते हैं. And that is such a big idolatry in our own life. और ये सबसे बड़ा मूर्ति पूजक है हमारे जीवन में. And sometimes we don't even realize it. और कभी कभी हम इसके बारे में कभी हमको एहसास ही नहीं होता. And it says, God is a fountain of living waters. और वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो जीवन के जल की सोता है. So what does it mean of fountain of living waters? इसका अर्थ क्या होता है कि वो बहते जल के सोता है. That means God is the one who fills us with the Holy Spirit. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ही है जो मुझे पवित्र आत्मा से भरता है. He is the only one when we come to Him, He can keep us spiritually alive. और वही एक है जो हम उसके पास आते हैं तो हमें आत्मिक रीति से हमें जीवित रखता है. And for that we have to repent in our own lives every day. और उसके लिए हमें पश्चाताप करना चाहिए हमारे जीवन में प्रतिदिन. Repentance means acknowledging our faults. पश्चाताप मतलब अपने खुद की गलतियों को मान लेना. Feeling sorry for it. उस पाप को लेके बुरा महसूस करना. And throwing it out, all these bad habits and the wrong priorities that we have done. और उस सब चीजों को फेंक देना जो कुछ भी हमने गलत पहला स्थान दिया है. सब चीजों को सबको हमको फेंक देना है. And deciding to follow Jesus from God from now on so that he may lead us, that he'll be our Lord. That is repentance. और ये निर्णय लेना कि परमेश्वर मुझे अगुवाई करेगा मेरे जीवन का, वो मुझे संभालेगा. Then only God can be the true God in our own life. और तभी ही परमेश्वर एक जीवित और एक सच्चा परमेश्वर हमारे जीवन में रह सकता है. Then only he can take control of our life. तभी ही परमेश्वर हमारे जीवन का नियंत्रण ले सकता है. And many times we don't like God to be the boss of our lives. काफी बार हमको नहीं अच्छा लगता है कि परमेश्वर हमारे जीवन का मालिक हो. We don't like other people to tell us what we should do. हमको नहीं अच्छा लगता है कि दूसरे लोग हमसे कहे कि क्या करना चाहिए. We are very independent by nature. हम आमतौर पर बहुत ही स्वतंत्र है, अपने आप को बहुत आजादी
महसूस करते स्वाभाविक रूप से. And very stubborn. हम बहुत आलसी भी है और सिद्धी है. So the Lord tells us, if you have to follow me, you have to listen to me. तो प्रभु हमसे कहता है कि यदि तुम मुझे मेरा पीछा करना चाहते हो तो मेरे आवाज को सुनोगे भी. When you call me Lord means I am the boss. Don't say simply say Lord, Lord. जब तुम मुझसे कहते हो कि प्रभु तो इसका मतलब मैं तुम्हारे जीवन का मालिक होना चाहिए, तो तुम मुझे ऐसी प्रभु प्रभु करके मत बोलो. So the Lord said, God says, don't, you have forsaken me, the fountain of living waters. Only I can give you the Holy Spirit, but you have forsaken me. तो परमेश्वर ये कह रहा है कि तुमने, मैं जीवन के जल की सोता हूँ, लेकिन तुमने मुझे त्याग दिया है, तो तुम्हें मुझे नहीं त्याग. Holy Spirit comes into our life, there is peace and joy and love in our heart so much. जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमारे अंदर शांति, प्रेम और हमारे जीवन में और आनंद आता है. But there is also a pleasure in doing our own will. लेकिन उसमें एक हमें एक आराम भी मिलता है कि हम अपनी खुद की इच्छा को पूरा करते हैं. There is a pleasure in sin. और पाप करने में वहां पे हमें मजा आता है. फिर इन Hebrews chapter 11 says Moses forsook the pleasures of Egypt. इब्रानियों उसके 11 में वचन कहता है कि मूसा ने जो इज़राइल मिस्र देश का जो कुछ भी सुख था, जो ऐशो आराम था, उसको उसने ठुकरा दिया. So there is all so much of pleasure in good things and sin that most people of the world want that. Unbelievers want it, and many believers also are tempted by those things. So बहुत सारे विश्वासी है और अविश्वासी भी है, ऐसे बहुत सारे सुखों के पीछे, इस ऐश्वर्य के पीछे वो लोग भागने लग जाते. So we have God only for namesake, and then we put him. But the our main God is our pleasures and doing our own will. तो हम बहुत बार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार में नहीं चलते और अपने खुद के ऐशो आराम और उसके पीछे भागने लगते. The result is that even though we are doing our own will, there is no true peace and joy in our own heart. तो इसके बावजूद भी हम अपने खुद की इच्छा पूर्ण करते रहते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी शांति नहीं रहता, कोई भी आनंद नहीं रहता है. How do you know that you are pleasing to God and you are filled with the Holy Spirit? तुम कैसे पता चलेगा कि तुम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हो और तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए हो? I'll be giving thanks and praise to God every time of my life. In the meeting, outside the meeting, in all the difficult situations of life, see God first, and then I will give thanks to Him because He is in control. परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता रहूंगा हर समय में, कलीसिया में भी, कलीसिया के बाहर भी, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन का नियंत्रण लेता है हर एक स्थिति में, हर एक समय में. If I am not filled with the Holy Spirit, what will happen? अगर मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं रहूंगा तो क्या होगा? I will pray. I can pray. प्रार्थना कर सकता हूँ. I can read the Bible. मैं प्रार्थना कर सकता हूँ. Bible पढ़ सकता हूँ. But I will be unhappy, grumbling, complaining, and very unhappy with people, unhappy with God. Hello. Yes. Yes. I'll be unhappy with people, unhappy with God. I will be complaining and grumbling. तो मैं परमेश्वर से नाखुश रहूंगा, लोगों से नाखुश रहूंगा और हमेशा गुड़गुड़ाते रहूंगा. And the second evil is that they hold for themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. दूसरा काम ये है कि इसका अर्थ क्या होता है कि मैं खुद के अपने खुद का हौद बना ले रहा हूँ. आई एम डूइंग माई ओन वर्क बनी. इसका मतलब यह है कि मैं खुद का ही काम कर रहा हूँ.
this is not what God has told me. I am doing my own job, my own, I am doing God's work in my own way. इसका अर्थ ये है कि मैं परमेश्वर मुझे जो कह रहा है वो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ अपने खुद के तरीके से. And I admire the work of my own hands and I take glory for it. और अपने खुद के काम के बारे में सोचते रहता हूँ और मैं उसके लिए अपने आप को महिमा में लेके आता हूँ. But the sad part is that there no water can be there in that vessel. लेकिन बुरी बात यह है कि उसमें कोई भी वहां पे कोई भी पानी नहीं रहेगा अगर हम ऐसे पाप में करेंगे. It is doing our own thing, but there's no joy, no peace, nothing in my life. इसका अर्थ यह है कि हम खुद का ही काम करते रहेंगे खुद की इच्छा के अनुसार में, लेकिन हमारे जीवन में कोई भी आनंद कोई शांति नहीं रहेगा. Without the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना. Without the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना. Now, a classic example of this is Martha and Mary. और सबसे अच्छा एक उदाहरण यह है कि मार्था और मैरी के जीवन से देखते हैं. Mary was sitting at the feet of Jesus asking, seeking the will of God in her own life and she was so full of peace and rest and joy in her heart. और मैरी जो है वो यीशु मसीह के चरणों के ऊपर बैठी थी और उसके अंदर में एकदम शांति और आनंद उसके हृदय में था. But Martha, instead of sitting at the feet of Jesus, she started doing her own work for the Lord. And she was getting so angry and she started complaining and murmuring and started accusing the Lord also. लेकिन मार्था जो है वो यीशु मसीह के चरणों के बजाय वहां पे बैठने के बजाय वो अपने खुद का ही काम कर रही थी खाना बनाने में और एकदम गुस्सा हो रही थी, चिड़चिड़ा रही थी मरियम को लेकर. And this is the picture of most of the believers. और ये ही एक चित्र है बहुत सारे विश्वासियों का. And most of the vast majority of believers who do the Lord's work, they're full of unrest. लेकिन और ऐसे बहुत सारे जो ज्यादा करके तादाद के जो लोग हैं विश्वासी लोग, उन लोग पूरी तरह से बेचैनी में हैं और उनके अंदर कोई शांति नहीं है. Unless we know what the will of God is, we will be full of unrest. जब तक हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चले तो हम पूरी तरह से बेचैनी में रहेंगे और कोई शांति नहीं रहेगा. We'll say, why other people are not helping? हम कह सकते हैं कि दूसरे लोग नहीं मदद कर रहे. The Lord also is delaying. परमेश्वर भी टाइम लगा रहा है. Why this has happened? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? There is no thanksgiving, no praise to God. परमेश्वर को कोई स्तुति आराधना नहीं, कोई धन्यवाद नहीं. As the Lord says, don't do your own job and own work. I have not called you to do that. Come and sit at my feet. इसलिए प्रभु कह रहा है कि तुम खुद के ही काम खुद के ही चीजों को मत करते रहो, आकर मेरे चरणों पर बैठो तुम. We may appear to everybody that we are very spiritual. हम हो सकता है सबको बताए कि हम बहुत ही आत्मिक है. But God says the Holy Spirit has left from your heart, your life. There is no Holy Spirit because all your vessels are all broken and the water is all leaked out. लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में कोई है ही नहीं, तुम्हारा जो पात्र है, जो तुम्हारा जो कटोरा है वो सब टूटा हुआ है. We have to come to the Lord. Say, Lord, work is not important, job is not important, family is not important. Lord, you are important first in my life. इसीलिए मैं परमेश्वर के पास आना है, कहना है कि परमेश्वर काम इतना मुख्य नहीं रखता है, परिवार इतना मुख्य नहीं कर रखता है, मुझे आकर परमेश्वर के वहां पे बैठना है चरणों. You have died for me, given your precious blood for my life. आप मेरे लिए मरे और मैं अपना कीमती लहू मेरे लिए जिया दिया है. And you took up the cross every day and suffered every day in your body for my sake. और तुम आपने अपना क्रूस उठाकर मेरे लिए दुख उठाया है प्रतिदिन. And you want me to look at you in every situation and also follow you. Hello. Hello. Yes, ma'am. So the Lord wants us always to look at Him and follow Him. तो परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा उसको देखें और उसका पीछा करें. And then we will be filled with the Holy Spirit.
और फिर हम पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे. And then we will not compare ourselves with each other. और फिर हम दूसरों के साथ अपने आप को तुलना नहीं करेंगे. See, life is more important than ministry. देखो जीवन ज्यादा मुख्य रखता है सेवकाई से बढ़कर. To walk with the Lord is more important than doing so many other things for the Lord. परमेश्वर का चलना सबसे मुख्य रखता है इसके बाहर भी कि परमेश्वर के लिए जो कार्य करते हैं उससे बढ़कर. We see in the book of John chapter 5. हम लोगों ने जय में देखे. It says verse 39, 40 and 41. Jesus said, "You search the scriptures because you think that in them you have eternal life, and it is these who bear witness of me. You are unwilling to come to me that you may have life. I do not receive glory from men." तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है. फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते. मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता. See, in the scriptures, we come to the scriptures as we heard, not to get more knowledge and do Bible studies, but that we should know about the Lord and we should get eternal life. हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं तो हम इसके लिए नहीं पढ़ते कि हमको बाइबल को और ज्ञान मिले, लेकिन हमें परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के जीवन के बारे में जानना, वो हमें इम्पोर्टेंट है. Why do we come to God by reading the Bible and praying? Is that we may also have the same life of the Lord? परमेश्वर के पास हम क्यों आते हैं बाइबल पढ़ते हुए प्रार्थना करने, ताकि परमेश्वर का जीवन भी हमारे अंदर आए. That we should be free from anger and immoral lust. ताकि हम गुस्से से और अश्लीलताओं से बाहर निकले और आजाद हो जाए. फ्रीडम फ्रॉम ग्रम्बलिंग एंड कंप्लेनिंग, कुटपड़ाना और शिकायत करने से हम आजाद हो जाए. एंड अटैचमेंट टू ऑल अर्थली थिंग्स, और सारे सांसारिक जो लगाव है उससे हम जो लगे रहते हैं उससे हम आजाद पाए. एंड ऑल नेम एंड फेम, और सारा जो नाम और ऐशो आराम. But all the glory should go to God. लेकिन सारे महिमा जो है वो परमेश्वर को जाना चाहिए. So when Jesus said this, he told that most believers don't want eternal life; they only want glory for themselves. तो जब यीशु मसीह ये कह रहे थे तो बता रहे थे कि बहुत सारे विश्वासी वो अनंत काल का जीवन नहीं चाहते, उनको सिर्फ महिमा खुद के लिए चाहिए. Just like the 10 lepers we heard yesterday. 9 people got the healing and they said thank you Lord, and they didn't even say thank you, we got my work is over, I'm going. तो जैसे वो 10 कोढ़ियों के बारे में हमने देखा कि उन सबको चंगाई मिला, लेकिन वहां पे सिर्फ एक ही आया और उसने आके धन्यवाद दिया और बाकी 9 जन ऐसे गए. So most believers, they just want to get some job from the Lord and then they go and do their own work and live for themselves. इसलिए बहुत सारे विश्वासी लोग, उनको सिर्फ कुछ काम चाहिए परमेश्वर से और फिर वो अपना काम करते रहते और परमेश्वर को दूर हो जाते. And verse 41 says, I do not receive glory from men. और वचन 41 कहता है कि मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता. See, we must never take glory from men because that is a great desire for us to show off what we are doing. तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि मनुष्य अपने आप के लिए आदर पाए, लेकिन ये परमेश्वर नहीं चाहता. Jesus said, if you try to show off what you are doing and how much you have prayed and how much you have done good work, then you'll have no reward in heaven at all. यीशु मसीह ने कहा कि तू अगर दिखावट करेगा कि कितना प्रार्थना किया है, कितना सेवकाई किया है, तो तू परमेश्वर से कोई भी पुरस्कार नहीं पाएगा. And then we will have no life also in our life. No eternal life. No, the life of Jesus, Holy Spirit will not be there in our life.
अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी हेलो या कैन यू हियर मी या ओके सो द गॉड वांट्स अस टू बी कंप्लीटली अनॉइंटेड विद द होली स्पिरिट एंड लिव इन फेलोशिप विद हिम कंटीन्यूअसली तो परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार उसके पवित्र आत्मा में अभिषेक में रहे और उसके पवित्र आत्मा में जिए दैट इज व्हेन वी कम टू गॉड इन ट्रू रिपेंटेंस एवरी डे हंबलिंग आवरसेल्व्स सेइंग आवर फॉल्ट्स And turning away from the wrong things that God shows us. और ये तब होता है जब हम अपने आप को नम्र करते हैं परमेश्वर के पास आके और अपने पश्चाताप करते हैं अपने पापों का अंगीकार करते हैं और सारे जो बुराई काम हम करते हैं उससे हम दूर हो जाते हैं तभी हम पाते Because this is what Jesus died for us to save us from all these bad habits and sins. और इसीलिए क्योंकि वो हमारे खातिर ये सारे पापों की वजह से मरे हमको आजादी मिलने के लिए And he is the same yesterday, today and forever. और वो एक समान है कल आज और युगानुयुग So that's why he calls us to take up our cross and to not do our will but to do his will. तो इसीलिए हम अपना क्रूस उठाकर अपना खुद का इच्छा नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहिए So as we break bread, let us remember that God calls us To have fellowship with him. जैसे हम रोटी तोड़ेंगे हम याद करेंगे परमेश्वर ने हमें बुलाया ताकि हम उसको याद करें. And that we should do the will of the Lord, not our own will. और हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहिए हमारा खुद का इच्छा नहीं पूरा करना है. That is the happiest life anybody can live. ये सबसे खुशहाल जीवन है कोई व्यक्ति जी सकता है. So, you know, when Jesus was here for 30 years, he didn't do a single miracle, then nothing he did. But God said, this is my beloved son in whom I am well pleased. आप जानते हैं कि यीशु मसीह जब 30 साल तक इस पृथ्वी पे जिए तब तक यीशु मसीह ने कोई भी ऐसा कार्य चमत्कार नहीं किया था फिर भी परमेश्वर पिता ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र जिसमें प्रसन्न हो So if we are also faithful and keep God first in our home, in our workplace, in the church, Then we'll also hear from God. You are my beloved son. We may not do any miracles and do great things or do any outward ministry, but God will say, "Well done." तो यदि हम विश्वास योग्य रहेंगे परमेश्वर को अपने घरों में कलीसिया में हम जहाँ कर जाएंगे तो हो सकता है कोई चमत्कार नहीं किया हो लेकिन फिर भी हम परमेश्वर हमसे कहेगा कि अच्छा है कि विश्वास योग्य और तुमने अच्छा प्रसन्न किया मुझे So this breaking of bread, we have come now, and it's going to be a time of blessing for us. अब रोटी तोड़ने के समय में हम आए परमेश्वर से आशीष पाएं. Why is it a blessing? Because we remember that Jesus died for us, and we also repent, and we come every day, and then we receive the Holy Spirit. That is a blessing for us. क्यों हम आशीष पात मिलता है कि यीशु मसीह को हम याद करते कि यीशु मसीह हमारे खातिर मरे और हम उसके लिए जिए और ये हमारे लिए एक आशीष है And as the bread is broken, we say, Lord, my will is going to be broken. I'm not going to do my will, but your will. और जैसे ही रोटी टूटेगा तभी हम ये याद करेंगे कि परमेश्वर मेरी शरीर मेरी इच्छा टूटी है और मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो And the drink is representative of the blood of Jesus Christ who washed away all our sins. और जो हम पिएंगे जो दाग रस या जो हम जूस पिएंगे वो ये दर्शाएगा कि यीशु मसीह का लहू हमारे अंदर हम से शुद्ध करता है We can have a clear conscience before God. ताकि हम परमेश्वर के सामने एक अच्छा विवेक और साफ विवेक रखें And he never remembers our past sins at all. और वो कभी भी हमारे पुराने पापों को याद नहीं करता So let us pray, brothers and sisters. तो हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे भाई बहनों Heavenly Father, we pray as we break bread and drink this cup. स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना करते हैं जैसे हम रोटी तोड़ेंगे और जैसे उस प्यालों को पिएंगे. Help us to have closer fellowship with you. हमारी मदद करता है कि हम आपके साथ एक करीबी रिश्ता कर सके. You are the one who died for us. आप ही है जिसने हमारे खातिर क्रूस पर अपनी जान दी. We don't want to take the credit for all the good things you have done for us.
हम कोई भी फायदा नहीं लेना चाहते, कोई भी नाम अपने लिए नहीं लेना चाहते, जो कुछ भी कार्य आपने हमारे लिए किया है प्रभु। Lord, we want to know that you are arranging everything well for our own lives. परमेश्वर हम ये जानते हैं कि आप हमारे लिए सब कुछ, हमारे भलाई के लिए ही सब कुछ स्थिर कर रहे हैं। We cannot understand everything, Lord. परमेश्वर परमेश्वर हम सब कुछ समझ नहीं सकते अभी इस समय परमेश्वर। But Lord, we trust you. लेकिन परमेश्वर हम आप पर भरोसा करते हैं। That you love us, that you are loving Heavenly Father. ताकि हम कि आप हमसे प्रेम रखते हैं और आप स्वर्गीय प्रिय पुत्र और प्रेमी and you're guiding us day by day. और अब हमें चलाते हैं दिन प्रतिदिन। By the Holy Spirit. आपके पवित्र आत्मा के द्वारा। Help us, Lord, to be obedient. परमेश्वर में मदद करके हम आज्ञाकारी बने रहे। And thank you, Lord, for the brothers and sisters in the church. और धन्यवाद देते हैं प्रभु जो भाई बहन दिए अपने कलीसिया में। Help us, Lord, to encourage one another. प्रभु हमारी मदद कर ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें प्रतिदिन। Thank you, Lord, that we are one family in you. धन्यवाद देते प्रभु कि हम एक परिवार है आप में। And bless us together, Lord, as a church. और हम सभी को आशीष कर प्रभु एक कलीसिया के तौर पर। Help us to humble ourselves every day, dear Lord. And thank you for this bread and drink. Be thou glorified in our lives.